अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। तो आज मैं आया हूँ मंगला डैम पे, मंगला डैम जो मंगला का ब्रिज है इस पे खड़ा हूँ। मैं आपको स्पेशल दिखाने के लिए इधर आया हूँ कि जो मंगला के डैम के जो गेट वगैरह हैं, ये पिछले पीछे जो मेरे बिजली घर है इधर, तो पीछे जो डैम के जो दरवाजे हैं, 9 दरवाजे, कल की वीडियो में आपको दिखाया ही था, तो मैंने सोचा आज उधर जा के दिखाएंगे आपको। तो वो 9 दरवाजे जो हैं वो खोले गए हैं, वो आप देख सकते हैं पीछे। तो ये सारा पानी उधर से होता हुआ ये इधर आ रहा है, तो इधर से हो के सीधा ये दरियाए झेलम, ये सारा पानी दरियाए झेलम में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी, ये सारे 9 दरवाजे हैं इसके, 9 के 9 खोले गए हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। मंजर के खौफनाक मंजर है, कितना पास से देखा जाए तो व्यू भी प्यारा लेकिन खौफनाक है। लेकिन ये है कि पानी जो है सारा दरियाए झेलम में छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो मंगला डैम है अपनी आखिरी हदें जो है क्रॉस कर चुका है। ये 1245 फीट जो है इसकी जो है ना 1245 फीट जो है इसकी पानी जमा करने की कैपेसिटी थी, लेकिन इससे क्रॉस हो चुकी है, पानी जो है ना बाहर आना शुरू हो चुका था, तो इसलिए इन्होंने मजबूरन ये खोले हैं, रात के ये खुले हुए हैं दरवाजे, तो इसलिए पानी सारा जो है इधर से होता हुआ। बहुत ज़्यादा गहराई है इसकी, तो मैं आपको दिखाऊं। तो ये जो है दरियाए जिले में जाएगा, दूसरी साइड में जाके आपको दिखाता हूँ। इस साइड पे देख सकते हैं आप, ये सारा उधर जा रहा है। तो जो दरिया झेलम है, झेलम के जो इलाके हैं, देरे आप आए हैं, जो सैलाब वगैरह, तो इसी पानी, ये पानी सारा उधर ही जा रहा है। तो काफ़ी रश है इधर देखने वालों का, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। मेरे साथ मेरे मामू भी मौजूद हैं, तो इनसे भी पूछेंगे इस बारे में। तो जी मामू, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? हम आए हैं इधर डैम की तरफ, तो पानी बहुत ज़्यादा चढ़ गया, तो उन्होंने खोल दिया पानी, तो बंद टूटने का ख़तरा है, तो इन्होंने पहले खोलना था, तो लेट खोला, चलो जो भी हो गया अच्छा हो गया। लेट हुआ देखा, अच्छा हुआ जो खोल दिया इन्होंने, तो काफ़ी अच्छा किया कि ये पहले खोलने चाहिए थे। मामू की बात ठीक है कि ये पहले खोलने चाहिए थे, तो इन्होंने लेट खोले हैं, तो फिर भी अच्छा है। चले डैम को काफ़ी खतरा है, तो इससे बेहतर है कि ये पानी सारा आगे जाएगा दरियाए झेलम में, तो उधर तो ज़्यादा खतरा है, क्योंकि पानी सारा उधर घाटी वगैरह में जाएगा। लेकिन क्या है, कल मैंने आपको जो जातला का व्यू दिखाया, तो उसमें डैम वगैरह की भी बात की थी, तो मैंने सोचा कि आज लाजमी दिखाने जाना है आपको, तो इसलिए मैंने मामू को साथ लिया है, तो आपको दिखाने के लिए इधर आए हैं। ये सारे दरवाजे पीछे देख सकते हैं कि खुले हुए हैं, तो पीछे ये इस साइड पे भी डैम है सारी, ये बिजली घर है जिधर बिजली बनती है, पीछे ये भी ये सारा बिजली घर है, तो मैंने सोचा लाजमी दिखाएँगे। तो अभी जो है ना हम वापस ही जाएँगे, तो आज की जो वीडियो है इधर ही ख़त्म करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।